उत्साह मलिक है, मैं स्लिप टेक्नीशियन हूँ न्यूरोलॉजी एंड स्लिप सेंटर में। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीपैप अनबॉक्सिंग एंड उसमें कौन कौन से एसेसरीज अवेलेबल होते हैं और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं उस सारे एसेसरीज को, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस एसेसरीज को मास्क के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और रात को कैसे यूज करते हैं और मास्क कैसे पहनते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। ओके, सो हमें रात को मशीन यूज करने के टाइम ज्यादातर 3-4 चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मशीन होनी चाहिए, ट्यूब होना चाहिए अवेलेबल, एडेप्टर होनी चाहिए, मास्क होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली पेशेंट भी होना चाहिए। सो अभी मैं मशीन कैसे कनेक्ट करते हैं और ट्यूब एंड मास्क कैसे कनेक्ट करते हैं पेशेंट के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीन को ऑन करेंगे, क्योंकि एडेप्टर, मैं मशीन को कनेक्ट करूंगा एडेप्टर के साथ। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने पहले बताया था फिलिप्स रेस्पिरेंट लिखा हुआ आएगा, बिकॉज ये फिलिप्स रेस्पिरेंट का डिवाइस है ऑटो सीपर, और उसमें मैंने बताया था आपको कि मशीन प्रॉपर ऑन होने में 30 सेकेंड्स लेता है, बिकॉज वो कार्ड रीड करता है, तो हमें उसको कार्ड रीड करने देना चाहिए। अब कार्ड रीड हो गया। पहले में वीडियो में दिखाया था मैंने कि चार ऑप्शन हमारे पास आते हैं, तो उस चार ऑप्शन को मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या है इसमें। आगे पहला थेरेपी, आप देख पा रहे हैं, एंड एफ्लेक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड मशीन सेटअप। सो हमें हमेशा थेरेपी पे ब्लैक जो इंडिकेटर है उसको थेरेपी पे लाके एक्टिव करना चाहिए, बिकॉज थेरेपी पे एक्टिव रहेगा तो मशीन ही ऑन होगा। जैसे ही मशीन ऑन करते हैं ऑटोमेटिक थेरेपी पे ही आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया ट्यूब या होस पाइप जिसे हम बोलते हैं। अब पहले मैंने ही बताया था आपको कि ट्यूब और होस पाइप के दोनों साइड यूनिवर्सल होते हैं, आप मास्क में भी लगा सकते हैं एक पार्ट और दूसरा साइड मशीन पे भी लगा सकते हैं। सो पहला एक पार्ट मैं मशीन पे लगाऊंगा ट्यूब कनेक्टर में, मैंने लगा दिया ट्यूब कनेक्टर में, आप देख सकते हैं मैंने पहले दिखाया था ट्यूब कनेक्टर कैसा होता है। ये ट्यूब कनेक्टर है। उसके बाद मैं दूसरा पार्ट मास्क पे लगाऊंगा और मास्क पेशेंट पे लगाऊंगा। तो ये मेरे पास एक फुल फेस मास्क है, फुल फेस मास्क के कनेक्टर साइड के मैंने निकाल दिए। अब मास्क के वेलक्रो को या हेडगियर को मैंने ऐसे पकड़ा है और मास्क के पोर्शन साइड को ऐसे ही पकड़ा है। उसके बाद मास्क को नोज एंड माउथ पे दोनों पे ऐसे फिट कर देंगे, बिकॉज ये फुल फेस मास्क है इसलिए नोज एंड माउथ दोनों कवर होने चाहिए, और वेलक्रो को आप देख सकते हैं या हेडगियर जिसे हम बोलते हैं उसको हम पीछे ऐसे पुल कर लेंगे, देख सकते हैं ये। ऐसे मास्क रहता है। अब मास्क के नीचे के पोर्शन
जो नीचे का बेल्ट है उसको हम कनेक्ट करेंगे। मैंने कनेक्ट कर लिया। सो अपने ही अकॉर्डिंग या पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें वेलक्रो टाइट एंड लूज करना होता है। जैसे हमें नीचे से एयर या नीचे से हमें ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा लूज करके नीचे के दोनों पोर्शन को एक साथ हमें टाइट अप करना है। एंड ऊपर से हमें नोज के पास से अगर हमें टाइट या लूज करना हो तो ऊपर वाले स्ट्रैप को जो अपर वाला स्ट्रैप है जो ये अपर स्ट्रैप है इन दोनों को अच्छे से ये मैंने लगा दिया। सो इस मास्क में अपर साइड ट्यूब कनेक्टर होता है और कई मास्क में नीचे के साइड होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मास्क वैरायटी टाइप ऑफ मास्क हम दिखा देंगे। तो अभी हम जस्ट ये जान ले कि मशीन और मास्क कैसे कनेक्ट करते हैं विद ट्यूब के थ्रू। तो मैंने ये पोर्शन कनेक्ट कर दिया। अब मशीन में ट्यूब एक साइड कनेक्ट हो गया और मास्क में ट्यूब एक साइड कनेक्ट हो गया। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। अब मशीन ऑन हो गया है। कैसे पता चलेगा? देखो मास्क के अपर साइड पे एक एक्सेलरेशन पोर्ट होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो छोड़ने के टाइम हमें एक एक्सेलरेशन पोर्ट यहाँ पे दिया होता है, उसी से हमें प्रेशर फील होता है, तो हमें पता चल जाएगा मशीन ऑन है या ऑफ है। मशीन कोई साउंड नहीं करती, साउंडलेट मशीन होती है, कोई नॉइज क्रिएट नहीं करता एक्सेप्ट एयर के। जब ट्यूब लगा होता है कोई एयर साउंड नहीं करते, नॉइज क्रिएट नहीं करते। जैसे ही मैं ट्यूब को यहां से ओपन कर दूंगा या प्लग आउट कर दूंगा वैसे साउंड होंगे। अब मैं दोबारा से कनेक्ट कर देता हूं। सो फ्रेंड, ऐसे ही मशीन को कनेक्ट करना होता है एडेप्टर ट्यूब एंड मास्क, उसके बाद आप मशीन ऑन कर लीजिए। सो धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी करना हो, हमें फ्रीली मेल कर सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हो गया info@neurologysleepcenter.com और हमारा वेबसाइट हो गया www.neurologysleepcenter.com। सो थैंक यू सो मच। Thank you.